हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली हूँ वेज मोमो जो पत्ता गोभी से बनेगी। आइए देखते हैं मैं कैसे उसे बनाती हूँ। वेज मोमो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक पत्ता गोभी, यहाँ पे है 3-4 प्याज और 3-4 हरी मिर्च भी लेना है। देखिए फ्रेंड, मैंने पत्ता गोभी को काट लिया है। ये पूरी तरह से मैंने इसे बारीकी से काटा है, क्योंकि आप इसे जितना बारीकी से काटोगे मोमो बनने के लिए ये उतना ही अच्छा रहेगा, नहीं तो मोमो डैमेज कर देगा। और ये देखिए प्याज, प्याज को भी मैंने पूरी तरीके से बारीकी से ही इसे भी काटा है। मोमो को भरने में आसानी होती है। मैंने हरी मिर्च की जगह पर लाल मिर्च लिया हुआ है, आप चाहो तो हरी मिर्च भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड, अभी हम इन सबको एक कटोरे में लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने बर्तन ले लिया है, अब मैं इसमें सब डाल दूंगी। आप चाहो तो आप भी कोई सा भी बर्तन ले सकते हो। मैंने तो एक बड़ा वाला बाटी साइज का बर्तन ले लिया है, जिसमें मैं सब कुछ डाल दूंगी। इसमें सारा सब कुछ मेरा डल जाएगा। देखिए फ्रेंड, मैंने सब कुछ डाल दिया, अब मैं नमक दूंगी। देखिए मैं नमक इसमें डाल रही हूँ और लगेगा, इसमें नमक ज़्यादा दिया जाएगा क्योंकि ये पानी छोड़ेगा। तो मैं इसमें 2 चम्मच डाली, 2 चम्मच इसके लिए ठीक है। अब मैं इसे पूरी तरीके से मिक्स कर दूंगी। देखिए फ्रेंड, ये पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है। मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक करके रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। चलिए फ्रेंड, ये पूरी तरीके से मिक्स हो गया। अब देख पा रहे हैं फ्रेंड, ये पूरी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे प्लेट से ढक देती हूँ। आपको हम इसे कपड़े को पूरी तरह से पैक कर लेंगे और इसे पूरी तरीके से निचोड़ेंगे, ताकि इसका सारा पानी पहले निकल जाए। इसका सारा पानी निकालना है हमें पहले। देखिए फ्रेंड, मैंने इसका पानी पूरी तरीके से निचोड़ दिया है। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ अजीनो, जो कि नमक का काम करता है फ्रेंड। और इसमें और मैं डालूँगी अभी एक मैगी मसाला, जो शायद 3 का या 5 का आपको मिल जाएगा। ये पूरा पैकेट इसमें डलेगा। तो आइए फ्रेंड देखते हैं। चलिए फ्रेंड, अब मैं इसमें मैगी मसाला डालती हूँ। देखिए फ्रेंड, पूरा पैकेट इसमें मैगी मसाला डल जाता है। और इसे आप अच्छे से मिक्स कर लेना। अब मैं इसको अजीनो भी डालूँगी, ये बहुत अच्छे से मिक्स करना होगा आपको। चलिए फ्रेंड, अजीनो डालते हैं। ये देखिए फ्रेंड, अजीनो नमक का ही काम करता है, तो आप इसमें नमक गलती से भी मत देना, अजीनो ही डालना। मैंने अजीनो भी डाला है सिर्फ नमक के मात्र में। आप जितना सा नमक यूज करते हो स्वाद अनुसार, उतना सा ही आप इसमें अजीनो डालना, एकदम थोड़ा सा अजीना अजीनो। देखिए फ्रेंड, इतना सा अजीनो आपको डालना होगा, आप इसमें डाल दें। और इसके बाद आप इसे मिक्स करें अच्छे से। अब मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड, पत्ता गोभी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम मैदा सान लेते हैं, क्योंकि मैदे के बिना तो मोमो बनेगा नहीं। तो चलिए हम मैदा सानते हैं, उसके बाद आप पूरा वीडियो देखिए तो ही पता लगेगा वेज मोमो बनता कैसे है। देखिए फ्रेंड, मैदा हमारा बिल्कुल रेडी है, मैंने इसे सान लिया है। अब मैं इसका डो बना लूंगी और उसके बाद हम मोमो बनाना स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड, हमने लो बना लिया है, अभी मैं इसको बेलने वाली हूँ। बिल्कुल एक रोटी के जैसा इसको बेलना भी है। देखिए फ्रेंड, मैंने इसे पूरी तरीके से बेल दिया है। फिलहाल ये गोल नहीं बेलाया है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हम इसे, मेरे पास कटर इसका था लेकिन कहीं अभी रखा गया है तो मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं इसे गिलास से काटूंगी, जो आप सबके घर में भी आपको मिल भी जाएगा आसानी से। आप गिलास से इसे कट कर देना। ये देखिए फ्रेंड, हमने इसे कट कर दिया है पूरी तरीके से। ये कट हो जाता है आसानी से, ये कट हो रहा है। इसमें 5 या 6 पीस, कभी कभार ये 7 पीस भी निकलता है। देखो ये पूरी तरीके से निकल जाता है। चलिए फ्रेंड, अब मैं इसे भर लेती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो प्लीज़ इसे देखना कैसे भर रही हूँ मैं इसे। हम इसे थोड़ा सा लेंगे, थोड़ा सा ही लेना है, ना कि ये फट जाएगा। हम इसे थोड़ा सा लेंगे, इसमें मैंने इसे ले लिया। ये ज़्यादा हो गया तो हम इसे कम कर सकते हैं, मैंने कम कर लिया इसे। अब मैं इसे फोल्ड करना स्टार्ट करती हूँ। ये देखो ऐसे करना है, फिर ऐसे इसे मोड़ते चले जाना है। आप इसे मोड़ दोगे जाके इसका मुंह खुला ना रह जाए। इससे क्या होगा कि इसका जो अंदर में माल भरा हुआ है ये बाहर निकल आएगा।
तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसे तैयार कर लिया है। ये पूरी तरीके से तैयार हो गया है मोमो। देखिए फ्रेंड, मैंने इसे पूरी तरह से भर दिया है। अब इसमें जगह नहीं है, अब मैं इसे स्टीम करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं मोमो हुआ है या नहीं। जी हाँ फ्रेंड, मोमो तो स्टीम हो चुका है। अब हम मोमो को निकालने वाले हैं। अब इसके बाद हम चटनी तैयार करते हैं। चटनी बनाने के लिए फ्रेंड मैंने यहाँ पर लिया है सूखा मिर्च, जिसे हम अभी उबालने वाले हैं। इसके बाद बनेगी हमारी चटनी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सूखा मिर्च पीस लिया है, मिक्सी में हमने पीसा है यहाँ पर, और ये पूरी तरह से बारीकी से पिसा गया है। अब मैं इसे चटनी बनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड अभी मिर्ची पीस करके रेडी है। इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल दिए हैं, जो चटनी बनने में बहुत अच्छा रहेगा। अभी हम इसमें डालेंगे मीट मसाला, जो कि आपको थोड़ा ज़्यादा देना होगा, ताकि टेस्ट इसका ज़्यादा अच्छा से रहेगा। और इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं धनिया पाउडर। ये रहा धनिया पाउडर, ये भी आप थोड़ा ज़्यादा ही डाल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि मोमो खाने में चटनी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। ये हमारा है किचन किंग मसाला। ये भी थोड़ा ज़्यादा ही डलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इस चटनी में नमक के बदले हम इसमें अजीनो मिक्स करेंगे, जो कि नमक से ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा। लेकिन फ्रेंड, अगर आप अजीनो डाल रहे हैं तो आप नमक मत डालना, क्योंकि ये नमक का ही काम करेगा। देखिए फ्रेंड, ये रेडी चटनी लगभग तैयार है, सेजवान चटनी हमारा। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ सोया सॉस, जो इसका कलर चेंज करने में मदद करेगा और ये टेस्ट बढ़ाने में भी काफ़ी अच्छा है। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा बन जाता है। देखिए फ्रेंड, अब ये पूरी तरह से उबल रहा है। अब मैं इसमें ये मिक्स डाल देती हूँ, ताकि ये थोड़ा गाढ़ापन हो, थोड़ा लजीज बने, जिसके लिए हमें इसे डालना होता है। अब देखना, ये पूरा गाढ़ापन में बदल जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये पूरी तरह से गाढ़ा हो गया है। अब लगभग ये हमारा बन चुका है, थोड़ी देर में हम इसे उतार भी लेंगे। चलिए फ्रेंड, मोमो तो बन के तैयार है। अब सबसे पहले मैं टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है, ठीक है? इतना भी घूर के मत देखिए, पहले टेस्ट करने दो। बहुत टेस्टी बना है। जल्दी जल्दी से वीडियो बंद करो और जल्दी जल्दी से आओ। और हाँ, आने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आओ, जल्दी से आ जाओ।